अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैरेट जिंजर उपमा की रेसिपी। इस उपमा को आप 15 मिनट के अंदर बना ले सकते हैं। ये एज ए ब्रेकफास्ट भी सर्व कर सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं। चाहे तो आप लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं। ये मसाला उपमा को बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। बगैर टाइम वेस्ट करे चले रेसिपी को देखते हैं पहले। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम कढ़ाई में लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। फिर उसमें ऐड करेंगे हम उड़द दाल 1 टेबल स्पून, चना दाल 1 टेबल स्पून। इन दोनों को मैंने मिक्स कर कर डाला है। और फिर इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून राई और फिर 1 टीस्पून जीरा। इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी महक आने लगे तब इसमें ऐड करेंगे हम करी लीव्स। और ऐड करूँगी 1 कप ऑनियन बारीक चॉप किया हुआ। ऑनियन को थोड़ा ट्रांसलूसेंट होने देंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 कप बारीक कट करे हुए लाल टमेटो। इसे भी थोड़ा पका लेंगे। इधर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। इससे हमारे टमेटो और ऑनियन जल्दी गलेंगे। और इसमें ऐड करना है 2 इंच के करीब जिंजर को ग्रेट कर कर। आप चाहें तो जिंजर को बारीक भी कट कर कर डाल सकते हैं। मैंने इधर ग्रेट कर कर डाला है। और थोड़े अदरक को चॉप कर कर भी ऐड करूँगी। थोड़े बच्चों को जिंजर का टेस्ट पसंद नहीं आता, इसलिए आप चाहे तो ग्रेट कर कर फुल डाल दें। अब इसमें डाली चिल्लीज 2 टेबल स्पून बारीक कट करे हुए। इन सबको थोड़ा पका लेंगे। अब ऐड करें कैरेट ग्रेट किया हुआ 1 कप। इनको भी थोड़ा पका लें। और फिर ऐड करें हल्दी 1 टीस्पून। हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और मैंने डाली है बारीक सूजी 1.5 कप। इसी मसाले में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। और साइड में मैंने पानी 3 कप के करीब गर्म होने के लिए रख दिया था। जब हमारी सूजी भुन जाए तब ये गर्म किया हुआ पानी इसमें डाल देंगे। इस टाइम आपको फ्लेम लो रखना है। और चम्मच को अच्छे तरीके से चलाना है ताकि लम्स ना फॉर्म हो सके। देखिए स्टेज पर आने पर हम ऐड करेंगे घी। घी अपने मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें। इधर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब घी को ऐड किया था। एक बार मिक्स कर कर इसे लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हमारी यम्मी सी उपमा रेडी है। आप इस उपमा को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।